चलो चलो भागो। सुबह सुबह इतने एसएमएस, हमारा कोई नया दुश्मन पैदा हो गया क्या? मेरे बॉस का पीए आज की मीटिंग का रिमाइंडर भेज रहे। हैंडसम है क्या? इतने सीरियसली तो तुम मेरे रोमांटिक एसएमएस भी नहीं पढ़ती। हैंडसम हो भी तो क्या फर्क पड़ता है, एसएमएस में शक्ल नहीं दिखती। तो जिसकी शक्ल दिख रही है उस पे तो थोड़ा ध्यान दे दो। हाँ, एक्सरसाइज पे कॉन्सेंट्रेट करो, वरना ये शक्ल ना थोड़े दिनों में देखने लायक नहीं रहेगी। सुहानी चलो। ओह माय गॉड, क्या हुआ? प्रपोज कर दिया क्या? आदि, मेरी मीटिंग प्रीपोन हो गई है, हैव टू गो। अरे सुहानी, वर्कआउट तो कंप्लीट कर लो। आदि, वर्कआउट ही करती रहूंगी ना तो वर्क से आउट हो जाऊंगी। बहुत सारी तैयारियां करनी है आदि, तुम आज अकेले वर्कआउट कर लो ना, हैव टू गो। ओके बाय सुहानी। I'm coming tonight at your place before going to New York, Venni Aunt. What? No. Oh God, मैं इतना सब कैसे मैनेज करूंगी? भगवान, कोई और भी कसर रहेगी तो आज ही पूरी कर लो। आंटी से फोन करके पूछती हूँ उनका क्या प्लान है। अरे मिस्टर गुप्ता उठिए, जॉगिंग करते करते सोते नहीं है, देखिए कितने मोटे हो गए हैं आप। सोने दो ना आदित्य। अरे मिस्टर गुप्ता उठिए और आज आप ये पैंट शर्ट पहन के जॉगिंग करने क्यों आए? सोने दो ना आदित्य प्लीज। अरे अरे आप बेडरूम में नहीं गार्डन में सो रहे हैं। पता है मुझे, रात भर से यहीं सो रहा हूँ। क्यों? बीवी का बर्थडे था, मैं भूल गया। रात को देर से घर पहुंचा तो उसने दरवाजा तक नहीं खोला। मेरा फॉर्मूला ट्राई कीजिए, डेट पर लेकर जाइए, शॉपिंग, मूवी, डिनर। ऐसा करूंगा तो मान जाएगी 100%। ये आदित्य खन्ना का नुस्खा है, कभी फेल नहीं होता। ठीक है, मैं ऐसे करता हूँ। थैंक्स आदित्य, थैंक्स। बाय बाय। देखो सुहानी बेटा, ये प्रेजेंटेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रीच ऑन टाइम। और देखना, ये सारे प्रेजेंटेशन और डॉक्यूमेंट्स तैयार है ना। हेलो हेलो सुहानी, आर यू देयर? यस सर। बेटा ध्यान का है तुम्हारा? देखो जब से तुमने आदित्य से शादी की है ना, यू आर नॉट हियर नॉट देयर, यू आर नॉट एनीवेयर। तुम क्या कर रही हो? सर, तो मैं ऑयल ढूंढ रही हूँ। व्हाट? फाइल। सर मैं फाइल ढूंढ रही हूँ। सर मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगी। ओके बाय। हेलो हेलो सुहानी, तुम किचन में फाइल क्यों ढूंढ रही हो? फाइल नहीं, मैं ऑयल ढूंढ रही हूँ। अच्छा, पर हमारे किचन के ऑयल में तुम्हारे बॉस का क्या इंटरेस्ट है? आदित्य मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है। हाँ तो मीटिंग की तैयारी करो ना, यहाँ वहाँ ऑयल क्यों ढूंढ रही हो? और ऑयल कैन तो वहाँ पड़ा है, मैं डाल देता हूँ। नो इट्स ओके, मैं डालूंगी। आज आंटी आ रही है। मीटिंग में? मीटिंग में नहीं बाबा, यहाँ घर पर। मुझे आने में देर हो जाएगी इसलिए खाना बनाकर जा रही हूँ। कम ऑन सुहानी, खाना मैं बना दूंगा। तुम्हें ऑफिस नहीं जाना क्या? मैं अपना काम जल्दी खत्म करके आ जाऊंगा। नहीं आदित्य, इस तरह तुम अपनी जॉब खतरे में डाल लोगे। डोंट वरी, मैं अपने बॉस को मैनेज कर लूंगा। बट आदित्य, आंटी खाने के मामले में बहुत चूजी है। तो मैं उनके लिए चूज करके डिश बनाऊंगा। वो जोक। पुअर जोक हो सकता है, तुम्हारा हस्बैंड नहीं। डोंट वरी, आई विल मैनेज। श्योर। हाँ सुहानी, जो मुसीबत में काम ना है, ऐसे हस्बैंड का फायदा ही क्या? हाउ स्वीट, संभाल लेना वरना आंटी पूरे खानदान में बोलेंगी। सुहानी गो। अच्छा लिसन, आंटी बहुत हेल्थ कॉन्शियस है, उन्हें कॉन्टिनेंटल पसंद है और स्वाद भी अच्छा होना चाहिए। ओके बाय। कॉन्टिनेंटल? कॉन्टिनेंटल? हाँ भैया। अरे यार तेरे को सारे कॉन्टिनेंट्स के नाम तक ठीक से पता नहीं, तू कॉन्टिनेंटल फूड बनाएगा कैसे? इसीलिए तो भाभी से बात करनी है, मैंने उन्हें फोन किया था, वो फोन ही नहीं उठा रही है। अरे भाई वो बहुत जरूरी काम से गई है। कहाँ? अरे वहीं जहाँ सारी औरतें जाती हैं। सब जाती हैं? कहाँ जाती हैं? शॉपिंग डूड। डोंट वरी, यू विल आल्सो गेट यूज्ड टू इट। भैया पर वो फोन तो अटेंड कर सकती है ना? आदि अब दोनों हाथों में शॉपिंग के भरे हुए बैग्स होंगे तो फोन कहाँ से उठाएगी वो? तो कब तक आएगी मेरे भाई?
जंग पे गया हुआ मर्द और शॉपिंग पे गई औरत के लौटने का कोई टाइम नहीं होता। भैया तो अब मैं क्या करूं? एक काम कर, किसी अच्छे से रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर दे। नहीं, पकड़ा जाऊंगा। आपको कॉन्टिनेंटल बनाना आता है क्या? कॉन्टिनेंटल? छोटे तुझे पता है ना, मुझे पुआ भी ठीक से बनाना नहीं आता। तो कॉन्टिनेंटल की बात कर रहा है यार? भैया ये पूरा डिपार्टमेंट मैंने तेरी भाभी पे छोड़ा हुआ है। सिंपल। भैया कुछ करो ना, वरना इज्जत का फालूदा हो जाएगा। छोटे तू मुझे ना बार बार ऐसी सिचुएशन में फंसा देता है ना, समझ नहीं आता। आइडिया, मेरा एक दोस्त है, उसका माइंड ब्लोइंग कुक है, उसको बोलता हूँ, वो तेरी मदद करने आएगा। सुपर, तेरा काम हो गया छोटे। वेरी गुड आइडिया ब्रदर। आप अच्छा सुनो, मैं 4:30 तक ऑफिस से लौट जाऊंगा, तब तक उसे भेज देना। ओके, लव यू, थैंक यू, बाय। अगला। सर, ये है मिस्टर तलरेजा की लोन की फाइल्स और उनकी बैंक स्टेटमेंट्स। अच्छा हुआ तुम आ गए हो। इंसान को बहुत खुशी होती है सर, जब उसके आने से उसके बॉस खुश हो जाते हैं। ये फालतू की बात करने का तुमको शौक है कि आदत पड़ गई है? सॉरी सर, कोई और काम था क्या सर? ना रे ना, हाँ है ना। आदित्य, आई वांट टू नो समथिंग अबाउट मिसेस माथु। She's very good, sir. Soft spoken, humble. Kolaba mein bungalow hai sir. 2 sweet kids, rich and beautiful too. Aditya, wo apne kuch shares bechna chahti hai. So, is it a right time to do so? No, sir. Market is very low. Share bechne se acha hai, wo moongfali beche, zyada fayda hoga. Sir, aapki car theek hai? हाँ, है ना, क्यों? सर वो मेरी आंटी आ रही है, उन्हें लेने एयरपोर्ट जाना है। अरे वाह, तुम्हारी आंटी आती है तो मेरी कार लेके क्यों जाने का? अगर तुम्हारी आंटी आती है तो तुम्हारी कार लेके जाओ ना। ओके बॉस, जाता हूँ। मेरी कार लेके जाना है। ए, आदित्य! अरे बाप रे, वो कुका नहीं वाला होगा। कुका गया। सब वो फड़के साहब। हाँ हाँ, मुझे पता है तुम आओ। सब वो फड़के साहब भड़केंगे सब। अरे फड़के साहब क्यों भड़केंगे, मेरे भैया ने तो उन्हें बोला है तुम्हें भेजने के लिए। आओ जल्दी आओ, जल्दी आओ। थैंक गॉड तुम टाइम से आ गए। पता है मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ? पता है मैं कितने टेंशन में था? वैसे क्या स्पेशल बनाते हो तुम? मैं जी आलू बैंगन, बैंगन भरता, बैंगन प्याज, बैंगन टमाटर, बैंगन गोभी। एक मिनट, एक मिनट, तुम्हें से बैंगन आता है कुछ और भी आता है? साहब बैंगन सस्ता आता है ना, इसलिए। साहब आपको ये बताने आए थे कि वो फड़के साहब। हाँ हाँ, तुम्हारे फड़के साहब को बैंगन पसंद होगा, लेकिन यहाँ हमें कॉन्टिनेंटल बनाना है। तो बताइए साहब। अरे हाँ हाँ, खाना तो मैं ही बनाऊंगा, लेकिन ये तो बताओ कि कॉन्टिनेंटल में हमें बनाना क्या है, क्या स्पेशल डिश है? साहब आप मेरे पसंद का खाना बनाएंगे? अरे हमारे पसंद का खाना तो हमार जोरू भी नहीं बनाई अब तक। तुम्हारे पसंद के हिसाब से नहीं, आंटी के पसंद के हिसाब से बनाना है। पेट दर्द हो रहा है चौबे जी को, दवा दे रहे दुबे जी को। हमको क्या पता कि आपके आंटी जी को क्या पसंद है? तुम भुलक्कड़ हो क्या? अभी तो बताया कि आंटी को कॉन्टिनेंटल पसंद है। देखो टाइम इज रनिंग, तुम जल्दी बताओ हम कॉन्टिनेंटल में क्या बनाएंगे। जल्दी, एक मिनट एक मिनट, कॉन्टिनेंटल होती का भला है? तुम कैसे कुक हो यार, तुम कॉन्टिनेंटल नहीं समझते। कुक और मैं? अरे आपको किसने कह दिया कि हम कुक है? हम तो वॉचमैन है नए। वॉचमैन? हाँ। तो तुम मेरे किचन में क्या कर रहे हो? चलो यहाँ से। साहब अभी तो बुला के लेके आए। हाँ तो मुझे लगा कि तुम कुक हो। आप हमें प्रधानमंत्री समझेंगे तो हम प्रधानमंत्री थोड़ी ना हो जाएंगे, हम तो वॉचमैन ही रहेंगे ना। तो मेरी घर की घंटी बजाने क्यों आए थे? साहब आपको ये बताने आए थे कि फटके साहब भटकेंगे, आपने उनके पार्किंग पे गाड़ी खड़ी कर दी है, तो आप नीचे जाके हटा लीजिए प्लीज। उनको बोलना गाड़ी मैं बाद में हटाऊंगा, पहले तो तुम मेरे घर से हटो। जाओ जाओ, और यूनिफॉर्म अगली बार पहन के आना। अभी तक कुक क्यों नहीं आया? फिर से आ गया ये। कौन है आप? ये आगे ड्रेस पहने, कंधे पे थैला, हाथ में इतने सारे लेटर्स, कौन हो सकता हूं मैं? कीजिए कीजिए, गैस कीजिए। काका काका, क्विज क्विज खेलने का टाइम नहीं है, बताइए क्या काम है? आपके नाम की रजिस्ट्री है, ये यहाँ साइन कर दीजिए। ये यहाँ, सुमित खन्ना। मैं सुमित खन्ना नहीं हूँ, मैं आदित्य खन्ना हूँ। ये किसी और की रजिस्ट्री है, जाइए आप। सर उम्र हो गई है, 6 महीने में रिटायर हो जाऊंगा, कहाँ धूप में भटकूंगा। सर आप साइन करके ले लीजिए ना, बाद में सुमित खन्ना जी को दे दीजिएगा। ओके।
पर मैं किसी सुमित खन्ना को तो जानता ही नहीं हूँ। क्या खन्नाओं के खन्ना को नहीं जानते? अरे मुझसे पूछिए, अपने मोहल्ले में कितने पाटिल हैं, सबके पते और जनसंख्या भी बता सकता हूँ। काका आप महान हैं, मैं नहीं हूँ। देखिए मैं पहले से बहुत परेशान हूँ, आप जाइए, प्लीज जाइए। मैं क्यों बनूंगा सुमित खन्ना यार? हाँ भैया। छोटे गड़बड़ हो गई यार। मैंने अपने दोस्त को फोन किया, उसका जो कुक है ना, उसकी वाइफ की आज डिलीवरी है, नहीं आ पाएगा यार। अरे क्या बात कर रहे हो भैया, उसको बोलो ना थोड़ी डिलीवरी पोस्टपोन कर दे। ठीक, कोई डिलीवरी पोस्टपोन कर सकता है क्या? छोटे तू पागल हो गया क्या? बाय। हेलो भाई, वाकई में पागल हो गया? डिलीवरी कभी पोस्टपोन हो सकती है क्या? आंटी भी किसी भी वक्त आ सकती है। आ गई आंटी और बज गई घंटी। नैना भाभी आप? आदित्य मैं मार्केट गई, सुहानी को कुछ लिपस्टिक की शेड्स चाहिए थी और वो मुझे मिल गई तो मैं ले आई, ये लो। नैना भाभी आप आई नहीं हो, आप भेजी गई हो, ऊपर वाले ने आपको मेरी मदद के लिए भेजा है। आदित्य तुम ठीक तो हो? हाँ। इतनी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो? कहाँ बहकी बहकी बातें कर रहा हूँ, आप अंदर तो आइए मैं समझाता हूँ। ये बैग जा रखिए। आइए आदित्य, मुझे लेट हो रहा है। आइए तो। अरे मुझे घर जाना है। अरे भाभी आदित्य आइए, एक मिनट। नो यस, आज कॉन्टिनेंटल बनाना है। आदित्य सुहानी इतनी डिमांडिंग नहीं है, तुम उसके लिए दाल राइस भी बनाओगे तो वो खुशी खुशी खा लेगी, वही बना लो। लेकिन ये सुहानी के लिए नहीं है, सुहानी के आंटी के लिए। हाँ तो आंटी के लिए भी वही अच्छा रहेगा, डाइजेस्ट करने में इजी रहता है। हाँ लेकिन उनकी आंटी बहुत डिमांडिंग है, उनको कॉन्टिनेंटल ही पसंद है और खाने में स्वाद भी होना चाहिए और हेल्दी भी होना चाहिए। आदित्य रिलैक्स, वो तुमसे और सुहानी से मिलने आ रही है, कुकरी शो जज करनी नहीं। देखिए भाभी जो उनकी डिमांड थी मैंने आपको बता दी, प्लीज अपने देवर की इज्जत रख लीजिए, नहीं तो मेरी नाक कट जाएगी। नाक? ओह गॉड। हाँ मेरी नाक। नहीं मेरी नाक, आई मीन मेरी नाक की हीरे की नथ, वो स्टोर में है। और ज्वेलरी वाले का फोन आया था कि अगले 7 दिन तक उनका स्टोर बंद रहेगा, तो मुझे अभी जाके पिक करना होगा। अरे नहीं लेकिन मेरा कॉन्टिनेंटल। एक मिनट, ये रेसिपी बुक है सुहानी की, इसमें से देख के बना। अभी रेसिपी पढ़ने का टाइम नहीं है, आंटी कभी भी आ सकती है। तो ऐसा करो तो तुम इसमें से देख के ग्रिल पनीर जुकीनी विद चीज सॉस बना लो। इतना बड़ा नाम, जितना टाइम इसे बोलने के लिए लगेगा ना उतना टाइम इसे बनाने के लिए भी नहीं है। इसमें सारी रेसिपीज बहुत डिटेल में दी हुई है, आराम से बैठ के पढ़ो और बना लो। लेकिन भाभी आप समझो, आंटी कभी भी आ सकती है। बाय। ग्रिल पनीर सुकीनी विद चीज सॉस। कहाँ गई उसकी रेसिपी? हाँ ये रही ग्रिल पनीर जुकीनी विद चीज सॉस की रेसिपी। क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं? 120 ग्राम पनीर, 20 ग्राम जुकीनी। सारे रख लेता हूँ, पता नहीं क्या क्या लग जाएगा इसमें। सबसे पहले पनीर को सारी हर्ब्स, ऑलिव ऑयल, ऑलिव्स, गार्लिक, नमक और काली मिर्च के साथ मैरिनेट करके ग्रिल कर। ओके पनीर को काट देता हूँ। पनीर को यहां रख देता हूँ, ऑलिव्स काट लेता हूँ छोटे छोटे पीसेस। ये कट गए ऑलिव्स, अब गार्लिक के छोटे छोटे पीसेस काटने हैं। अब मैं इसमें फ्रेश ऑरिगैनो और थाइम डाल रहा हूं, ऑलिव्स, अब थोड़े से मिक्स इटालियन हर्ब्स और हल्का सा ऑलिव ऑयल। करेक्ट, ये अब अच्छे से मैरिनेट हो गया, अब इसे ग्रिल करने के लिए रख देता हूं। टाइमर 10 मिनट। करेक्ट, अब सॉस 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 सॉस।
अब सॉस बनाने के लिए एक टेबलस्पून मैदा, 250 मिलीलीटर दूध और एक टीस्पून पेपर और 15 ग्राम शेडर चीज। ओके। और ये दूध। अब मैं फ्राइंग पैन को इंडक्शन पे रख देता हूँ और इसे ऑन कर देता हूँ। अब इसमें हल्का सा एक चम्मच बटर, अब इसमें डाल रहा हूँ एक चम्मच मैदा। अब मैं इसे थोड़ा सा विस्क कर देता हूँ। आदि, यू आर टू गुड। ये दूध। चेडर चीज। सुहानी, यू आर गोइंग टू बी सो प्राउड ऑफ मी। ज़ुकिनी को हल्का सा सौते करूंगा और इसे एक ही डायरेक्शन में करना पड़ता है, ग्रेडेड फॉर्म में हो। लवली। अब मैं इसे सौते करता हूं, हल्का सा पहले ऑलिव ऑयल, थोड़ा सा नमक, थोड़ा गार्लिक। ये ज़ुकिनी डल गया और इसे हल्का सा भून लेता हूं। आह, इसका बेडिंग तैयार। और अब मेरा ग्रिल्ड पनीर। ये रहा मेरा ग्रिल्ड पनीर, इसको अब इसके ऊपर डाल देता हूं। वाह, अब इसमें चीज सॉस डाल देता हूं। ये लेटिस लीव्स, रेड रेडिश और एप्पल, फ्लावर की तरह सजाना, हल्का सा सैलेड ड्रेसिंग। वाव आदित्य, आखिर तुमने कॉन्टिनेंटल बना ही लिया। You know, आंटी, आज खाना स्पेशली आपके लिए आदित्य ने बनाया है। Oh no, यानी पंजाबी स्टाइल खाना, ढेर सारे मसाले और प्लेट में बहता बटर। No no आंटी। Look बेटा, मैं यहाँ खाने नहीं आई हूँ। I just wanted to meet you, बच्चा। मैं फ्लाइट पे कुछ खा लूंगी। पर आंटी, फ्लाइट में आपको वो नहीं मिलेगा जो मैंने बनाया। I know, इसीलिए तो कह रही हूँ कि मैं फ्लाइट पे कुछ खा लूंगी। You know, न्यूयॉर्क की फ्लाइट है, इतना चार्ज करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री डिनर देते हैं, तो खाना तो पड़ेगा ना। क्या देंगे वो? जो भी हो, पनीर बटर मसाला तो नहीं होगा। पर मैंने आपके लिए ग्रिल पनीर ज़ुकिनी विद चीज सॉस बनाया। व्हाट? ओ यार जी, मैं आपको बताना भूल गई, ही इज अ ग्रेट कुक। कॉन्टिनेंटल स्पेशलिस्ट है। रियली? मैं खाना लेके आता हूँ। Really tasty. Really?
सुहानी, तुम्हारी आंटी पहली बार आ रही थी ना, तो मैंने सोचा अपनी स्पेशल रेसिपी तैयार कर। मस्त है सुहानी, तुम्हारे हस्बैंड एक अच्छे कुक ही नहीं, एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं। लेकिन आदित्य बेटा ये बनाया कैसे? आंटी, सबसे पहले मैंने लिया 120 ग्राम पनीर और उसको ऑरेगानो, थाइम, ब्लैक ऑलिव्स, लसन, मिक्स्ड इटालियन हर्ब्स, ऑलिव ऑयल और नमक में मैरिनेट करके 10 मिनट ग्रिल किया। फिर सॉस बनाने के लिए एक पैन में बटर और मैदा ऐड करके उसे अच्छे से विस्क किया। फिर उसमें दूध, चेडर चीज डालकर उसे अच्छे से मिक्स किया और इस तरह तैयार हुआ मेरा चीज सॉस। मैंने जुकीनी को ग्रेट किया यानी कि कद्दूकस किया। फिर पैन में ऑयल गरम करके उसमें थोड़ा लहसुन डाला, नमक और जुकीनी डालकर उसे अच्छे से मिक्स किया। जब जुकीनी सौते हो जाए तो प्लेट में फैलाकर उसके ऊपर मैंने ग्रिल्ड पनीर रखा। इसके ऊपर मैंने डाली थी चीज सॉस और इसे गार्निश किया था लेटस लीव्स यानी कि सैलेड के पत्ते। सैलेड ड्रेसिंग को बनाने के लिए मैंने ऑलिव ऑयल, लेमन जूस, चिली फ्लेक्स, मिक्स्ड हर्ब्स को मिलाकर लाल मूली और एप्पल के ऊपर डाला और इस तरह तैयार हो गया मेरा ग्रिल्ड पनीर जुकीनी विद चीज सॉस। मजा आ गया, ऑसम फूड। आदित्य बेटा, नेक्स्ट टाइम मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट यहाँ से होगी तो मैं जरूर तुम्हारे हाथ का खाना खाने यहाँ आ जाऊंगी। Really? अच्छा, मुझे चलना चाहिए, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। बाय बेटा। बाय आंटी। थैंक यू फॉर कमिंग, मोस्ट वेलकम। ओप्स, जीते रहो। यस। बाय आंटी। You know, Aditya, इतना अच्छा कॉन्टिनेंटल तो मैं भी नहीं बना सकती। Don't tell. अरे आंटी, हमारे पूरे खानदान की न्यूज चैनल है, तुम्हारी तारीफ मेरे पूरे खानदान तक पहुंच जाएगी। मुझे नहीं पता था कि एक दिन की मेहनत से मैं तुम्हारे खानदान में इतना फेमस हो जाऊंगा। You know, Aditya, आज तुमने सिर्फ आंटी के सामने नहीं, मेरे पूरे खानदान के सामने अपनी प्रेस्टीज बनाई है। हमारी प्रेस्टीज इस प्रेस्टीज ने बनाई।